फ्रेंड्स, अगर आप एक नए फिल्म मेकर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो बॉलीवुड है वो कैसे फिल्मों को कॉपी कर रहा है या फिर दूसरे चीज़ों को कॉपी कर रहा है। एक चीज़ जो ऑलरेडी हिट हो चुकी है उसे कॉपी कर करके लोग जो है वो फिल्में बना रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, ये सभी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप एक नए फिल्म मेकर हैं, आप डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, तो आप इसे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर शॉर्ट शॉर्ट फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ डालता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को और भी नॉलेज मिले। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ कि जो फिल्म है वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है वो कैसे कॉपी कर रहा है और सभी फिल्मों को, और फिर वो फिल्में बना रहा है। जब बॉलीवुड किसी भी फिल्म को सफल बना लेता है, यानी कोई फिल्म है वो आई और वो बहुत हिट हो गई, तो क्या होता है कि सभी जो और बाकी प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो डायरेक्टर्स रहते हैं, वो उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं, मुझे भी इसी तरह की फिल्म बनानी है। जैसे सपोज अगर कोई हिस्टोरिकल मूवी हिट हो गई, तो उसके बाद क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो हिस्टोरिकल मूवी बनाने के पीछे ही लग जाएंगे। कुछ अगर बायोपिक मूवी हिट हो गई, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो बायोपिक मूवी बनाने में ही लग जाएंगे। लेकिन ये कोई नहीं सोचता है कि नहीं, फिल्म जब हिट होती है तो हिट होने के पीछे भी बहुत सारा कारण होता है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मायने रखते हैं। ये नहीं कि आपने अगर एक फिल्म चल गई है एक तरह की फिल्म, तो उस पर आप फिर कोई फिल्म लेकर के आएंगे तो वो चलेगी ही चलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक गलत सोच है फिल्म प्रोड्यूसर्स के। तो ये जो जैसे आप देखे होंगे कि आप मान लीजिए कि कोई एक्टर है, उसे किसी रोल में अगर हिट कर दिया गया, ऑडियंस ने उसे हिट कर दिया, जैसे कोई एक्टर है वो कॉमेडी करता है अच्छा, तो बाद में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स है वो ही उन्हें चांस नहीं देते हैं कि वो कोई सीरियस रोल करे या कोई डिफरेंट रोल करे, वो उन्हें कॉमेडी ही रोल ऑफर करते हैं। तो ऐसे में एक्टर को भी वेरिएशन नहीं मिलता है, वो अलग अलग तरह के रोल्स नहीं कर पाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो भी उन्हें देखते देखते, एक ही रोल में देखते देखते बोर हो जाती है, वो सोचने लगती है कि ये तो कॉमेडी ही करता है तो कॉमेडी ही करेगा। फिर उसी तरह से अगर कोई एक्शन कर रहा है, तो एक्शन कोई हीरो है तो उसे बार बार एक्शन ही फिल्में मिलती है। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। जैसे आपने आफ्ताब शिवदासनी के बारे में सुना है, वो एक्टर है, तो आफ्ताब शिवदासनी जो है उन्होंने कुछ फिल्मों में रोल किया कि वो लड़की के पीछे भागते हैं। तो उसके बाद जब उनकी एक फिल्म हिट हुई इस टॉपिक पर, तो क्या हुआ कि फिर उन्हें इस तरह की फिल्में मिलने लगी तो उनसे इंटरव्यूज़ में भी एक दो बार पूछा गया कि आप हर फिल्म में लड़की के पीछे क्यों भागते हैं। तो उनका कहना रहा कि मैं रियल ज़िंदगी में ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं भागता हूँ फिल्मों में। तो खैर, ये तो उन्होंने मजाक से कहा, लेकिन सही बात यह है कि उन्हें रोल उस तरह का ऑफर हो रहा था कि एक रोल में उन्होंने जब सफलता हासिल कर ली, तो फिर बार बार उन्हें एक ही तरह का रोल ऑफर किया जा रहा था। तो ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा इस चीज़ को, कि एक एक्टर अगर किसी रोल में फिट हो जाता है, किसी रोल में वो हिट हो जाता है, तो फिर बार बार वो उसी रोल में आता है, बार बार उसे उसी तरह का रोल दिया जाता है। अगर कोई भूत का कैरेक्टर कर रहा है, तो उसे बार बार फिल्मों में भूत का ही कैरेक्टर मिलता है। अब क्या पता बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि वेरिएशन नहीं रह जाएगा, लोगों को फिर धीरे 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 फिल्में देखने में मज़ा नहीं आने लगेगा। जैसे कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि वो लोगों को चांस नहीं मिलता है, बहुत सारे राइटर्स को चांस नहीं मिलता है, इसलिए नया कंटेंट बाहर नहीं आ पाता है, और इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री जो है वो डूबती जा रही है। तो फिल्म इंडस्ट्री के डूबने के पीछे, फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म में है वो फ्लॉप होने के पीछे या कमज़ोर पड़ने के पीछे, ये भी एक कारण है कि वो वेरिएशन नहीं करती है। एक बार जो फिल्में बन गई हैं, जो एक जो हिट हो गई है, उनके पीछे ही वो चल देते हैं जो बाकी के प्रोड्यूसर्स हैं। हालांकि कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे भी हैं जो नए तरह के आइडियाज़ लाते हैं, जो नए तरीके के फिल्में लाना पसंद करते हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि 70-80% प्रोड्यूसर्स ऐसे होते हैं जो अगर एक तरह की फिल्म हिट हो गई तो वो उसी तरह की फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बात आप बिल्कुल आसानी से समझ रहे हैं, मैं खास किसी फिल्म का नाम नहीं लूँगा, आप अपने एक्सपीरियंस से देखेंगे, आप खुद ध्यान देके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा होता है। अगर कोई फिल्म हिट हो गई है तो उस तरह की बहुत सारी फिल्में फिर आपको उसके बाद देखने को मिलेंगी, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक नए फिल्म मेकर है, आप डायरेक्टर है या फिर प्रोड्यूसर है, तो आप कभी भी इस तरह की गलती ना करें, आप वेरिएशन लाएं। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर हिट हो गई है तो वो हिट हो जाए दोबारा,
आपकी स्टोरी अलग होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए, आपका आइडिया अलग होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, आपने कैसे फिल्म को शूट किया है, उसका आपने कैसा एडिटिंग करवाया है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है फिल्म का हिट होना। तो इसीलिए अगर आप एक फिल्म मेकर हैं, आप डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें कि आपको कभी भी फिर नुकसान का सामना करना पड़े। अगर आप ऐसा गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी फिल्म जो है वो चलेगी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी फिल्म हिट ही हो जाएगी, तो इसीलिए आप ये गलती बिल्कुल ना करें। तो अब करता हूँ मैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है, और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेज बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।